और अब सवाल यह है कि क्या मुलायम सिंह यादव की सीट पर दो बहुओं का सियासी संग्राम होने वाला है क्या? सवाल का जवाब भी लगभग अब साफ हो चुका है। अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की सीट पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतार दिया है। और इधर आप देखिए, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। मुलायम की बहुओं में संग्राम, मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में, जेठानी को चुनौती देंगी देवरानी। जिस मैनपुरी में मुलायम सिंह ने परचम बुलंद रखा, उस मैनपुरी का किला कैसे बचा पाएंगे अखिलेश? ये सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा था, तभी अखिलेश ने डिंपल यादव को यहाँ ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से एसपी का प्रत्याशी बना दिया। दरअसल मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। एक बार फिर यहाँ से मुलायम परिवार का प्रत्याशी सामने आया तो बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। चुनाव तो केवल सैफई कुंबे के लोग ही लड़ रही है। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। यूपी की सियासत में जितनी अहमियत वाराणसी की है, गोरखपुर लोकसभा सीट की है, उतनी ही मैनपुरी की भी है, क्योंकि मोदी लहर के बावजूद नेताजी इस सीट को बचाने में कामयाब रहे। जब तक जीवित रहे मैनपुरी की नुमाइंदगी करते रहे। जरा समझिए कि अखिलेश के लिए मैनपुरी क्यों नाक का सवाल है। दरअसल मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 1996 से अब तक मुलायम परिवार ही इस सीट पर जीतता आया है। 2014 के मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। 2019 में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते। बीजेपी अब तक इस सीट पर नहीं जीत सकी है। अखिलेश ने मैनपुरी से अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है तो खबर है कि बीजेपी यहां डिंपल को कड़ी टक्कर देगी। सूत्र बताते हैं कि यहां से मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। अब अगर ऐसा होता है तो मैनपुरी की जनता को तय करना होगा कि उनका भरोसा छोटी बहू पर है या फिर बड़ी बहू पर। यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। मैनपुरी में कमल खिलेगा। शिवपाल जी, प्रस्ता का प्रत्याशी कौन होगा मैनपुरी से, चेहरा कौन होगा? अभी नहीं बता सकते हैं, आपको 2-3-4 दिन में इंतजार करके सब पता चल जाएगा। मैनपुरी में अखिलेश के सामने चुनौतियां कई है, एक तो अपर्णा, दूसरे ओम प्रकाश राजभर, वही राजभर जो यूपी चुनाव के दौरान दिलो जान से साथ निभाने का वादा किया करते थे। लेकिन अब मैनपुरी में रमाकांत कश्यप को SBSP का प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। ऐसे में मैनपुरी का किला बचा पाना अखिलेश के सियासी करियर का सबसे बड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है। मौका देंगे, देंगे कि नहीं देंगे काम करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।